सत्ता जो है ना, राजनीति सेकने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए नेता लोग कुछ भी कर जाएंगे। मंदिर और मस्जिद में राजनीति का कौन सा बात आ गया? 70 साल पुराना कोई आज तक किया था मंदिर, राम मंदिर के लिए कोई सोचा था? मंदिर जो बना है ना तो इनका पेट भर जाएगा। मंदिर से हम खुश है, नहीं कह रहे हैं कि मंदिर बना तो गलत बना है, लेकिन उससे बेहतर होता अगर उस जगह पर हॉस्पिटल बना रहता था। मोदी जी का विकल्प ही नहीं है। मोदी जी 9 साल से आए हुए हैं तो बेरोजगारी है। इससे पहले कांग्रेस के सरकार में सबके घर में IPS थे। हम राज तो मैं ये पर्स का 500 का नोट यहाँ रखता हूँ और मैं आता हूँ घूम करके पटना, तो राम राज में 500 का नोट यहाँ मिलना चाहिए ना? मिलेगा? EVM है तो उनका गेम है, बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं PRB न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि प्रकाश। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद है और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही यानी कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है और उसमें आ रहे हैं मोदी जी के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां। तो क्या बिहार के तमाम नेता भी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी को यहां पर राम मंदिर में आने का न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में क्या राम मंदिर देश में विकास ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? ऐसे में जनता हमारे साथ है और जनता से जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। क्या ये भी राम मंदिर के 22 जनवरी को जाएंगे? क्या आप भी जाएंगे राम मंदिर के लिए 22 जनवरी को? जाएंगे, श्योर जाएंगे। कैसा लग रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं जाना है राम मंदिर आपको? भीड़ में कौन जाएगा मरने के लिए? नहीं जाएगा, कि दिक्कत है राम मंदिर से? भीड़ में मरने के लिए दिक्कत नहीं, भीड़ में मरने के लिए जाएंगे आप राम मंदिर बन गया तो? नहीं। चलिए, हालांकि अंकल थे कह रहे हम नहीं जाएंगे, मरना नहीं हमको। आप बताइए, आपको कितनी अच्छी लगी कि अब चलो हमारे राम मंदिर हमारे यहाँ बन गया? नहीं, बहुत अच्छा लगा, सोने में सुहागा है, सोने पे सुहागा है। कुछ लोगों का ये कह रहा है कि राम मंदिर पे BJP जो है वो राजनीति कर रही है, तो क्या ये सच है या आपके हिसाब से ये नहीं? मंदिर और मस्जिद में राजनीति का कौन सा बात आ गया? तो आप मानते हैं कि नहीं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है? हो रही है, मगर इसे होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, मतलब मान रहे कि राम मंदिर पे राजनीति हो रही है? हाँ हो रही है ना। कौन कर रहा है राम मंदिर पे राजनीति? राजनीतिक मोदी सरकार कर रहे हैं, दूसरा कौन करेगा? मोदी सरकार कर रहे हैं। अरे तो वही तो राम मंदिर को लाए ना, तो वो कैसे राजनीति कर सकते हैं? वो एक मुद्दा है। अच्छा, राम मंदिर लाने का एक मुद्दा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी का मुद्दा क्या है राम मंदिर पे राजनीति करने का? एकदम ऐसा कैसे आरोप लगा सकते हैं? चारों धाम के जो आचार्य हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने साफ आने से इनकार कर दिया है कि अभी पूरी तरह से राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, हम अभी नहीं जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव नजदीक है और 22 तारीख को भव्य उद्घाटन हो रहा है, बड़े बड़े हस्तियां उसमें आ रही हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव जी को न्योता नहीं दिया गया है, तो क्या लगता है ये क्या चल रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव को न्योता नहीं इसलिए मिला है कि तेजस्वी यादव ऐसा काम कर गए हैं ना कि उनका बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व क्या कर दिया तेजस्वी जी ने? अरे, चारों राज का दरवाजा खोल दिए हैं, हर लोग को शिक्षा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है और आने वाले समय में जो बिहारी बाहर प्रदेश में जाते थे काम करने के लिए, गाली सुनते थे, लाल जूता खाते थे, वो आने वाले समय में नहीं होगा, बंद हो जाएगा। तो आप तो धर्म का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि BJP तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हिंदू होगा इस चीज़ का विरोध नहीं करेगा। मंदिर, आपको क्या दिक्कत है राम मंदिर से और वहाँ के भक्तों से? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया है। जो इतने अरसों बरसों से जो चीज़ विवादित था उसको 5 जजों ने बैठ के जजमेंट सुना के विवाद जगह को निर्माण करवा दिया, और बढ़िया बात है। जब 1925 में जब आपका शिवसेना का जब संगठन जब बना था, तब से ये विवाद चल रहा है, न्यायालय में बहुत दिन से ये मामला था। अच्छा। ठीक है, और पहल किया था राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने 1984 में उसमें जाने का प्रवेश किया था, लेकिन नहीं, तो राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाने का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे ये भी तो आरोप है ना कि राम मंदिर को बनने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने 6 वकीलों को खड़ा कर दिया था। देखिए, उन लोग आपस में, देखिए, हम इतना जानते हैं कि सत्ता जो है ना, राजनीति सेकने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए नेता लोग कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, 24 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, आप लोग जाएंगे 22 को? बिल्कुल जाना चाहिए, सारे कितने खुश है, आप लोग हिंदू है, लोग कितने खुश है, जरूर जाना चाहिए। तो क्या मतलब BJP बहुत अच्छे काम लोग के सूत उत के राम नाम है। किया है वो, कोई नहीं किया है, क्या कर दिया है? 70 साल पुराना कोई आज तक किया था मंदिर, राम मंदिर के लिए कोई सोचा था? मंदिर बनने सोचा था BJP, वो किया है जो कोई हिंदुस्तान में नहीं किया है। इतना मतलब गर्व है? हाँ जी, काहे नहीं हुआ, हम हिंदू है, हिंदू पे गर्व नहीं रहेगा तो कौन सी पे गर्व रहेगा? हिंदू होके हिंदुस्तान में हिंदू का भाषा नहीं बोलेंगे, हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे तो क्या भाषा बोलेंगे? इनसे पूछ रहे हैं हम कि मोदी जी ने क्या किया? अरे, सबसे बड़ा तो वो किया जो कोई नहीं किया। क्या? राम का मंदिर बनवाया, और क्या जी ने किया? बहुत बड़ा काम किया। क्या नहीं किया? न्यायालय में, न्यायालय 5 जज बैठे थे, न्यायालय का मामला है कि मोदी जी का मामला है? न्यायालय का मामला है कि मोदी जी का मामला है? क्या दिक्कत है बताइए? इतना दिन से क्यों नहीं कांग्रेस बनवा रहे थे?
इतने तो आपके लिए, आपके लिए एक मंदिर काफी है? हाँ जी बिल्कुल काफी है, कुछ नहीं चाहिए, सारे हिंदू भाई के लिए भी काफी होना चाहिए वाला है मैडम। मंदिर जब बना है ना तो इनका पेट भर जाएगा, इनको रोजगार। आप हिंदू नहीं है फिर? हिंदू हिंदू है, गर्व से कहते हैं कि हिंदू है। अगर यही आप हिंदू नहीं है, हिंदू को हिंदू अगर होंगे ना तो अपना मंदिर का विरोध नहीं कर सकते, यही कहना है भाजपा। वहाँ पर अगर हॉस्पिटल बना रहता तो शायद किसी हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के लोग का, किसी संप्रदाय के लोग का लोग रहता है तो मंदिर में जाइए ना, इलाज हो जाएगा। आज के डेट में बताइए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, आप इस चीज को समझ रही हैं? कभी आपने बेरोजगारी पर सवाल उठाया है? आप मतलब मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर से हम खुश हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर बना तो गलत बना है, लेकिन उससे बेहतर होता अगर उस जगह पर हॉस्पिटल बना रहता था। मेरा यही कहना है, मेरा अपना पर्सनल थॉट है। क्या लग रहा है कि आपको, अच्छा क्या बोल रहे काका, आप मंदिर से खुश नहीं है क्या? खुश है, एकदम खुश है, मोदी जी का विकल्प ही नहीं है। अच्छा मोदी जी के अलावा दूसरा चेहरा ही कल्पे नहीं है? कोरोना काल में जिस तरह से वो संघर्ष किए हैं और सारी जनता को बचाए हैं, बढ़ा दिए हैं, आज तक कम नहीं हुआ। ये मोदी जी का काम है कि जीरो लगा के स्पेशल ट्रेन बना दिए। 15 रुपया में आरा से आते थे पटना, आज 30 रुपया ले रहे हैं और ट्रेन चल रही है कांग्रेस के ही ढर उसी टाइम टेबल पे। लोगों को 2 साल में अपना फिक्स डिपॉजिट दोगुना चाहिए, लोगों को 2 साल में अपना फिक्स डिपॉजिट दोगुना चाहिए, लेकिन किराया नहीं बढ़ना चाहिए। कहाँ की बात है बात? 2 साल में लोग कहते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में पैसा फिक्स करेंगे तो 800 का सिलेंडर। अच्छा एक मिनट, महंगाई तो है ही नहीं उनके हिसाब से, बात राम मंदिर की हो रही, आप क्यों नहीं खुश? आप हिंदू होकर भी मंदिर से खुश? हिंदू 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 एक्ट क्या है? राम राम, राम राज्य आ गया, राज्य में बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीना चाहिए। अच्छा। तो आज राजपूत भूमिहार सब सारे शूद्र के साथ विवाह करेंगे ना? करेंगे दलित और शूद्र के साथ, ओबीसी के साथ विवाह? क्या इसमें आप लोग किसी इनके बात पर सहमत है? हम राम राम करते रहेंगे, मेरा पेट भर जाएगा। आज गरीब गरीब मंदिर में जाने से पेट नहीं भरेगा, वहाँ पंडा का पेट भरेगा। जो हमारा गरीब बाहर में बैठता है कटोरा लेकर के, आप आए खिचड़ी दे दिए, उस खिचड़ी के लिए मार होता है। सरकार बीजेपी का आंख नहीं है को क्यों खिचड़ी के लिए दौड़ता है? 9 साल जवान जो जाए ग्राउंड में दौड़ रहा है वो जाएगा मंदिर में पूजा करने के लिए, उसको तो नौकरी। यहाँ तक की अब नेशनल मीडिया के तो पत्रकार लोग कह रहे हैं की मंदिर में जाइए, हॉस्पिटल गोदी मीडिया कुछ भी बोलेगा। राम राम हम करते रहे, बेरोजगार जो नौजवान उसका पेट, आपको रोजगार चाहिए और क्या? रोजगार चाहिए रोजगार। ये तेजस्वी जो राज्य किए हैं वो बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने 22 जनवरी के लिए तेजस्वी यादव को निमंत्रण नहीं दिया। अरे निमंत्रण क्या करेगा मंदिर में जाके? मोदी जी 9 साल से आए हुए हैं तो बेरोजगारी है। इससे पहले कांग्रेस के सरकार में सबके घर में IPS थे। 9 साल से मोदी जी आए हैं तो लोग कह रहे हैं कि इससे बेरोजगारी है, और कांग्रेस के सरकार में सबके घर में जॉब था। कांग्रेस के घर में सब ये नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। अभी वो पैसा अंबानी और अडानी के घर में गया है, आपके जेब का पैसा अडानी अंबानी के घर में गया है जी। कैसे? गैस रेल सेल कोयला बेल सब पे उनका कब्जा है। 2 करोड़ का वादा किया, आज तक 2 लाख भी नहीं पुराया है, और देख लीजिए बिहार का फन लेकर नाक का फन करके बैठे हुए हैं। बीजेपी नाक का फन करके बैठे हुए जी, इतना बड़ा आरोप मोदी जी को लगा रहे हैं। मोदी जी नाक है, चैलेंज खुला चैलेंज, मोदी नाक है, नाग है नाग। कैसे कह रहे हैं भैया, कितना अच्छा पूरा देश का विकास, क्या राम मंदिर ला दिए, राम राज्य ला दिए, राम राज्य। तो मैं ये पर्स का 500 का नोट यहाँ रखता हूँ और मैं आता हूँ घूम करके पटना, तो राम राज्य में 500 का नोट यहाँ मिलना चाहिए ना? मिलेगा नहीं मिलेगा? सहमत को 500 का नोट मैं यहाँ रखता हूँ, राम राज्य का मतलब कि मैं गांधी मैदान से आऊंगा तो 500 का नोट मेरा यहीं मिलना चाहिए। आप सुनिए ना, क्या इनका, एक मिनट रहने दीजिए, नीचे रखिए थोड़ा, रुके एक मिनट। अच्छा कितना देर के लिए ये पैसा यहाँ रह सकता है आप लोग बताइए? 1 सेकंड में, 5 मिनट में ये पैसा नहीं रहेगा, 1 सेकंड नहीं रहेगा। ये देखिए पैसा नीचे इन्होंने रख दिया है, कह रहे हैं कि राम राज्य में ये पैसा 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। तो क्या आपके हिसाब से ये राम राज्य है? तो चलिए इनका पैसा हम लोग इनको लौटाते हैं। देखिए आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, तो कोई भाई बोल सकता है मेरा सवाल? इनके बातों से हम सहमत है, अगर मोदी जी हमको जेल करना चाहते हैं तो जेल कर दे, कल बेल होगा, परसों से वही खेल होगा, मोदी का विरोध। हाँ परसों से वही खेल होगा, ठीक है? 2024 में फिर से आ रहे हैं मोदी, डंका बज रहा है उनका। वो तो जब तक EVM है, EVM है तो उनका गेम है, बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, देख लीजिए EVM हटा करके चुनाव करा ले।
सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिए हैं कि वीवीपैट का ही जो है गिनती होता है, ईवीएम मशीन का गिनती नहीं होता है मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे पीआरवी न्यूज, मैं थी आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। और कैसी लगी वीडियो? आप राम मंदिर को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आपके हिसाब से मोदी जी सच में राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पे? और क्या आपके हिसाब से राम राज्य है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।